Hello friends, welcome back to my YouTube channel Concept of Mathematics. I am Balram Yadav. I will teach you today vector subspace. तो last video में मैंने आपको एक exercise दी थी जिसमें true false बताने थे आपको कौन सा true है कौन सा false है. तो I hope आपने घर पे solve किया होगा उसे. तो आज मैं यहाँ पे आपको उसके answers बताऊँगा with explanation और इसके बाद में हम start करेंगे आज का topic vector subspace. तो देखते हैं कौन से ट्रू फॉल्स थे. तो फर्स्ट वन इज एवरी वेक्टर स्पेस कॉन्टेंस ए जीरो वेक्टर. तो हमें ये यहाँ पर आ रहा है कि सभी वेक्टर स्पेस में एक जीरो वेक्टर होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और हमने इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें ये बताया था कि जीरो वेक्टर क्यों कंपल्सरी होता है किसी भी वेक्टर स्पेस में होना. तो यहाँ पर इसका देखो एक्सप्लेनेशन है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस इट्सेल्फ. कि एक वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी. मतलब हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस वी है तो उसमें जो भी एक्स बिलोंग करेगा उसके लिए देर एग्जिस्ट ए वेक्टर जीरो बिलोंग्स टू वी सच दैट एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स. कि वहाँ पे ये जीरो वेक्टर जो हमने डिफाइन किया है वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी. ये क्या है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है. तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स क्या है. ए वेक्टर स्पेस मे हैव मोर देन वन जीरो वेक्टर. तो लास्ट वीडियो के बिल्कुल एंड में आते आते हमने बात की थी जीरो वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी की और एडिटिव इनवर्स की. तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि ए वेक्टर स्पेस मे हैव मोर देन वन. यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि मोर देन वन जीरो वेक्टर्स होते हैं. कैसा पॉसिबल है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है. सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स. जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी विच इज ऑलवेज यूनिक. जो हमेशा यूनिक होती है एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है. तो थर्ड वन देखते हैं हम कि इन एनी वेक्टर स्पेस ए एक्स इक्वल टू बी एक्स इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी. ये स्टेटमेंट बताओ ट्रू है या फॉल्स है. तो यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी एक्स दिया है हमने. फॉर एवरी एक्स होगा ये और दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी. दोस्तों ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ में हमने एक्स को जीरो ले लिया, जीरो कंसिडर कर लिया एक्स को, तो क्या हो जाएगा दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? जीरो इक्वल्स टू जीरो. और ए और बी को हम कुछ भी चूज कर लेते हैं. लेट ए इक्वल्स टू फाइव एंड बी इक्वल टू टेन ले लिया. तो फाइव एक्स इक्वल टू टेन एक्स है और एक्स की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी तो क्या हो गया? जीरो इक्वल्स टू जीरो. मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया लेकिन ए और बी क्या है? एक फाइव है एक टेन है, दोनों इक्वल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. कौन सा? थर्ड वन था. हियर दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू जीरो एंड एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी की कुछ भी वैल्यू ले ले और एक्स को जीरो ले ले तो वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा. लेकिन वहाँ पर ए और बी इक्वल होना जरूरी नहीं है. तो नेक्स्ट पे आते हैं. इन एनी वेक्टर स्पेस ए एक्स इक्वल टू बी, ये इसने फिर से ये दिया है ए एक्स इक्वल टू ए वाई. ए वाई दिया है इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई. यहाँ पे इसने थोड़ा चेंज किया है. इसने बोला ए एक्स इक्वल टू ए वाई और फिर यहाँ पे ए को कॉमन रखा है दोनों साइड पे. यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी है और फिर इसने बोला एक्स इक्वल टू वाई होगा. तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी. आप शायद समझ गए होंगे ये गलत क्यों है. क्योंकि अगर यहाँ पे हमने ए को जीरो ले लिया जैसा पहले वाले में क्या था वैसा ही सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे. ए को जीरो ले लिया और एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू ले ली तो भी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी ये इक्वेशन. लेकिन एक्स और वाई तो हमने क्या लिया? डिफरेंट लिया है. तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सेम एज प्रीवियस ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो. जैसे यहाँ पे पहले डिफाइन किया था सेम वैसे ही है. तो नेक्स्ट है फिफ्थ वन. ए वेक्टर इन एफ एन. एफ एन क्या होता है? एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है ठीक. और ये एफ क्या होता है? जहाँ पे उस वेक्टर्स होते हैं वेक्टर स्पेस के जो एंट्रीज आते हैं जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो जिस फील्ड से आते हैं वो फील्ड यहाँ पे मेंशन है. ए वेक्टर इन एफ एन मे बी रिगार्डेड एज ए मैट्रिक्स इन एम एन क्रॉस वन. और जिसकी एंट्री कहाँ से आ रही है? एफ से आ रही है. तो ये हमने बता दिया था कि हम किसी भी वेक्टर को एज ए रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स लिख सकते हैं. यहाँ पे एन क्रॉस वन क्या डिनोट कर रहा है? एन क्या है? रोज है. वन क्या है? कॉलम है.
मतलब n रोज और वन कॉलम, तो क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो हम किसी भी वेक्टर को एक कॉलम वेक्टर में डिनोट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ई का क्या है, ट्रू। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी कैन राइट एनी वेक्टर इन कॉलम मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट वन क्या है, एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैज एम कॉलम्स एंड एन रोज। तो स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट यहाँ पे बताया कि जो ऑर्डर को डिनोट करता है मैट्रिक्स के ऑर्डर को, उसमें जो पहला लेटर होता है वो रोज को डिनोट करता है कि नंबर ऑफ रोज, हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज, एंड जो सेकेंड कोऑर्डिनेट जो नंबर होता है वो डिनोट करता है हाउ मैनी कॉलम ए मैट्रिक्स हैज। तो यहाँ पे क्या है, एम क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला, कॉलम्स बोला और एन को रो बोला, तो इसने अपोजिट बोल दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। नेक्स्ट वन है इन पी एफ। पी एफ क्या होता है, ये क्या है, पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है। ओनली पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री मे बी एडिड, ये बोलना है कि ओनली पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री मे बी एडिड। इसने कंडीशन लगा दी कि एडिशन करेंगे तो सिर्फ दो सेम डिग्री की पॉलिनोमियल में कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एडिशन करने के लिए हमें सेम डिग्री की पॉलिनोमियल होना कंपल्सरी नहीं है। क्या है इसमें, वी कैन ऐड एनी टू पॉलिनोमियल्स, हम किसी भी दो पॉलिनोमियल को ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल देखे, जैसे एक पॉलिनोमियल लिया हमने एफ एक्स का है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, टू एक्स के क्यूब प्लस फाइव एक्स है, एंड जी एक्स क्या है, थ्री एक्स प्लस फाइव है। तो हम दोनों को देखो, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, थ्री, और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, जी एक्स की, वन। तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम ऐड कर सकते हैं दोनों को, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ऑल द बोथ हैव डिफरेंट डिग्री, दोनों की डिफरेंट डिग्री है फिर भी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफ़ एफ एंड जी आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, दो पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री क्या है, एन है, सेम डिग्री है, देन एफ प्लस जी इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो ये क्या कंपलसरी है कि अगर एन डिग्री की दो पॉलिनोमियल है तो उनका एडिशन भी एक एन डिग्री की पॉलिनोमियल आए, तो ये गलत है दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों, अगर हम एक, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया है, एक पॉलिनोमियल हमने कंसीडर कर लिया टू एक्स के क्यूब, दूसरा पॉलिनोमियल क्या किया, माइनस टू एक्स क्यूब। यहाँ पे देखो बोथ क्या है, थ्री डिग्री की पॉलिनोमियल है, मतलब सेम डिग्री की है। यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा, एफ प्लस जी इज जीरो पॉलिनोमियल, वो क्या आएगा, एक जीरो पॉलिनोमियल आएगा, जो कि एक थ्री डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं मिला, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एफ इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन एंड सी इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन सी एफ इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। एक इसने बोला एक पॉलिनोमियल है एन डिग्री का, उसको किसी भी स्केलर, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो सी एफ आ रहा है हमारे पास वो एक एन डिग्री की पॉलिनोमियल होगा। ये दोस्तों क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डजेंट इफेक्ट इन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री की पॉलिनोमियल में स्केलर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई रोल नहीं होता डिग्री उसकी चेंज करने में। नेक्स्ट है, ए नॉन जीरो स्केलर ऑफ एफ मे बी कंसिडर्ड टू बी पॉलिनोमियल इन पी एफ हैविंग डिग्री जीरो। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसने बोला एक नॉन जीरो स्केलर ऑफ एफ, मतलब एफ जो फील्ड था वहाँ से हमने कोई भी स्केलर लिया, मे बी कंसिडर्ड एज ए पॉलिनोमियल इन पी एफ, जो पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है उसमें एक जीरो डिग्री की पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं। जो हमने नॉन जीरो स्केलर लिया दोस्तों, वो क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है, और कॉन्स्टेंट को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, एज ए पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो होती है। हमने पहले भी डिफाइन किया था लास्ट वीडियो में कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, टू फंक्शन इन किसमें है, ये वेक्टर स्पेस किसका है, फंक्शंस का है। ये फंक्शन कहाँ से, एस इसकी डोमेन है और एफ इसका कोडोमेन है, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, इसने एक कंडीशन डाली है उनकी इक्वल होने पे क्या है, दे हैव द सेम वैल्यू एट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स। ये इक्वल फंक्शन की ही डेफिनेशन है, उसने एग्जैक्ट ऐसे लिखे, तो स्टेटमेंट क्या है, ये भी क्या है, करेक्ट है, ट्रू।
हमने इसको पिछले वीडियो में डिफाइन कर दिया था कि दो फंक्शंस को हम इक्वल कब बोलेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। इन द स्टडी ऑफ एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो हमने बताया था जो वेक्टर स्पेस डिफाइन किया वो भी एक एलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इन द स्टडी ऑफ एलजेब्रिक स्ट्रक्चर इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू एग्जामिन, इंटरेस्ट की बात है, कौन सी बात, एग्जामिन सबसेट दैट पोसेस द सेम स्ट्रक्चर एज द सेट अंडर कंसिडरेशन। जो हमने सेट लिया है पहले उसका जो सबसेट है वो भी, जो हमने पहले सेट लिया था जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिया था उसका जो सबसेट है वो भी उसी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये चीज़ को एग्जामिन करना एक इंटरेस्टिंग बात होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये एग्जामिन करने वाला सबसेट को कि वो अपने जो सेट था उसकी एलजेब्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है नहीं करता, यही कॉन्सेप्ट इसको क्या देता है, हमें सबस्पेस का कॉन्सेप्ट देता है। तो सबस्पेस की डेफिनेशन देखिए, ए सबसेट डब्लू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी, वी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, उसका डब्लू क्या है, हमने कोई भी सबसेट लिया है, ध्यान रखना एक वेक्टर स्पेस का हमें सबसेट लेना है, ओवर ए फील्ड एफ, जो वेक्टर स्पेस है वो ओवर ए फील्ड एफ है। तो यहाँ पे डब्लू को हम सबस्पेस ऑफ वी कब बोलेंगे, उस सबसेट को वेक्टर स्पेस का सबस्पेस, मतलब जो सबसेट है वो सबस्पेस कब बनेगा वो कंडीशन बता रहे हैं। इफ़ डब्लू इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, तो इसकी क्या कंडीशन है कि डब्लू खुद एक वेक्टर स्पेस हो ओवर एफ, उसी ओवर एफ क्या है, वो फील्ड है जिस फील्ड में वी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो हमने क्या लिया, एक वेक्टर स्पेस लिया, तो उसका सबसेट को हम वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना चाहते हैं। तो वेक्टर सबस्पेस कैसे प्रूव करेंगे, W को पहले तो उसका सबसेट होना पड़ेगा वेक्टर स्पेस का, सबसेट होने के बाद W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द सेम फील्ड विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, किसके साथ, ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ओवर V। और जो ऑपरेशंस है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो कौन से, वो सेम होंगे जो V पे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि सबस्पेस क्या होता है, सबस्पेस जैसे हमारे पास एक वेक्टर स्पेस लिया हमने V, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, V हमने कोई वेक्टर स्पेस लिया तो उसका सबस्पेस कौन होगा, उसका सबस्पेस होने के लिए उसका सबसेट होना चाहिए पहले। तो W को हमने उसका सबसेट मान लिया, तो W उसका सबसेट है, और वो सबस्पेस कब बनेगा, जब वो खुद एक वेक्टर स्पेस बने ओवर द सेम फील्ड एंड ओवर द अंडर सेम ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ऑन वी। तो ये होगी वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन। इन एनी वेक्टर स्पेस वी, नोट दैट वी एंड जीरो वेक्टर आर ऑलवेज सबस्पेस, ये क्या है, यहाँ पे जीरो को क्या बोलेंगे हम, जीरो वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी। तो कोई भी वेक्टर स्पेस है हमारे पास वी, तो उसके दो तो हमेशा दो सबस्पेस हमेशा रहेंगे, एक तो क्या होगा वो खुद और एक होगा जीरो वेक्टर स्पेस, सभी नॉन एम्प्टी मतलब नॉन जीरो, जीरो वेक्टर स्पेस को छोड़ के जितने भी वेक्टर स्पेस हैं सभी के दो सबस्पेस हमेशा रहेंगे, ये क्या है, ट्रिवियल वेक्टर स्पेस है, वी एंड जीरो आर ट्रिवियल, एवरी नॉन जीरो वेक्टर स्पेस के रहेंगे। लेकिन जो जीरो वेक्टर स्पेस है उसका सिर्फ एक ही सबस्पेस रहेगा, वो क्या है, इटसेल्फ। Fortunately, it is not necessary to verify all the vector space property. कि वेक्टर स्पेस की हमने देखा तो कितनी प्रॉपर्टी थी, एट डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। तो अगर हमने वेक्टर स्पेस को सबस्पेस उसके सबसेट को सबस्पेस प्रूव करना है, तो सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमने क्या बताया, वो खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, और वेक्टर स्पेस को उसको सेटिस्फाई क्या करेगा फिर वो, एट प्रॉपर्टीज। लेकिन अब हम सबस्पेस प्रूव करने बैठ गए और सभी एट अलग अलग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराएंगे तो एक ही क्वेश्चन में कितना सारा टाइम लग जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हमें वो सारी एट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करानी होंगी वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के लिए। देखें क्यों नहीं होंगी, आगे देखते हैं। ए सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी इज ए सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टी होल्ड्स।
हमें 8 प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करानी, हमें सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो वो 4 प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट वन है डब्ल्यू इज क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन होना चाहिए। तो आप सभी बताओ, मैंने पहले डिफाइन किया था जब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन दी थी, क्लोजर अंडर एडिशन क्या होता है? सोचो एक मिनट, आया कुछ याद? तो देखो क्या होता है क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब कोई भी दो वेक्टर हैं जो W में बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका जो एडिशन है वो भी W में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या होता है? क्लोजर अंडर एडिशन होता है। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड, W इज क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज होना चाहिए। इसकी क्या डेफिनेशन थी? कि C कोई भी स्केलर है जो F से बिलोंग कर रहा है फील्ड से, और X कोई भी वेक्टर है जो W में बिलोंग कर रहा है, तो उनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी W में बिलोंग करना चाहिए। ये हो गया क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? W हैज़ ए नॉन जीरो वेक्टर, W के पास नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, मतलब उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? ईच वेक्टर इन W हैज़ एन एडिटिव इनवर्स इन W, जो वेक्टर्स हैं W के अंदर उन सभी का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। ये चार प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई कराएंगे वेक्टर स्पेस को प्रूव करने में, सबस्पेस प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं द जीरो वेक्टर, यहाँ पे क्या है? जीरो वेक्टर ऑफ W मस्ट बी सेम एज द जीरो वेक्टर ऑफ V। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि V कोई भी वेक्टर स्पेस है और W उसका सबस्पेस है, तो जो जीरो वेक्टर है मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है दोनों की, वेक्टर स्पेस की और वेक्टर सबस्पेस की, वो दोनों की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा सेम रहेगी। प्रूफ क्या है? W इज सबस्पेस ऑफ V, इसका प्रूफ देख रहे हैं कि W इज सबस्पेस ऑफ V। ये हमने मतलब थ्योरम में डिफाइन है कि W उसका सबस्पेस है। दिस इम्प्लाइज W इज वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशन डिफाइन ऑन V। और वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अभी, कि वेक्टर स्पेस होने के लिए उसे इट्सेल्फ एक वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा अंडर द सेम ऑपरेशंस। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या थी? कि देयर एग्जिस्ट इज एलिमेंट जीरो, जिसको हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि जीरो बिलोंग्स टू W सच दैट जीरो प्लस x इक्वल टू x। यहाँ पे हमने W में बिलोंग कराया, इसको क्या मान लिया? जीरो डैश मान लिया, या जीरो प्राइम बोल देते हैं इसको, जीरो प्राइम प्लस x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W। तो ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन होती है कि उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम जीरो बोल देते हैं वो बिलोंग करेगा सच दैट जीरो प्लस x इक्वल टू जीरो। आल्सो V इज ए वेक्टर स्पेस, V तो वेक्टर स्पेस है ही, तो V में भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जीरो सच दैट जीरो प्लस x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V। यहाँ पे हमने देखो x सेम लिया है, तो W V का सबसेट है, तो x W में बिलोंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो V में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो ये दो स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और दोनों x के इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल रख दिया हमने, जीरो प्राइम इक्वल्स टू जीरो एक्स, और यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा और यहाँ पे x निकल जाएगा और जीरो डैश इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या थी? जीरो डैश मतलब जीरो प्राइम किसकी एडिटिव आइडेंटिटी थी? W की, और ये जीरो किसकी आइडेंटिटी है? V की, और दोनों इक्वल आ गई, यही हमारी थ्योरम थी। अब आगे देखते हैं क्या है। As defined above, for W to be a vector subspace of V, W must follow those four property, कि जैसा हमने ऊपर बताया कि W को subspace होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो चार property को satisfy करना पड़ेगा जो हमने अभी mention की थी, ठीक है। Here now we will show that it's first, if first three condition satisfy then fourth is obvious। ये और भी अच्छी बात है हमारे लिए कि ये बोल रहा है कि अगर पहली तीन जो property हैं वहाँ पर देखते हैं हम, ये यहाँ पे चार प्रॉपर्टी है बोला, पहली तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होगी तो फोर्थ वन इज ओबीएस, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अंडरस्टूड है कि वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखते हैं कैसे हो जाएगी अपने आप। तो
लेट करते हैं फर्स्ट थ्री कंडीशन होल्ड, हमने मान लिया कि पहली तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन इफ़ एक्स बिलोंग्स टू डब्लू और मान लिया कि एक्स डब्लू से बिलोंग कर रहा है, देन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, ये क्या है थर्ड कंडीशन को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। थर्ड कंडीशन क्या थी कि किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डब्लू में ही बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो गया माइनस एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, यहाँ से आ गया ये। और माइनस वन क्या है, ये फील्ड से बिलोंग कर रहा है, स्केलर है कोई भी। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एडिटिव अंडर एडिशन क्लोज होता है वो ऑपरेशन, ठीक है एडिशन वाला ऑपरेशन, तो हमने लगा दिया दो एलिमेंट, ये एक्स भी डब्लू में बिलोंग कर रहा है, माइनस एक्स भी डब्लू में बिलोंग कर रहा है, तो दो वेक्टर्स है उन पर एडिशन लगाया तो वो भी क्या होगा डब्लू में बिलोंग करेगा, तो क्या हो गया ये एक्स माइनस एक्स क्या हो गया जीरो बिलोंग्स टू डब्लू। तो इसका क्या मतलब है, एक्स प्लस माइनस एक्स क्या आ रहा है हमारे पास जीरो आ रहा है, मतलब माइनस एक्स एक्स का क्या है एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इसके साथ ऑपरेट होने के बाद ये क्या दे रहा है एडिटिव आइडेंटिटी, और इनवर्स की डेफिनेशन ये होती है, तो क्या हो गया माइनस एक्स बिलोंग्स टू डब्लू इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। कि हमने तीन फर्स्ट थ्री कंडीशन को ट्रू माना तो फोर्थ वन अपने आप ट्रू हो गई, तो फोर्थ वन को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी हम किसी भी सबसेट को किसी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस प्रूव करेंगे तो स्टार्टिंग वाली तीन कंडीशन ही सेटिस्फाई करानी है। देखो एट कंडीशन से थ्री हो गई, काम ईजी होता जा रहा है आगे आगे। तो क्या बोला है, इन फ्यूचर इफ़ वी आस्क टू प्रूव एनी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस एज ए वेक्टर सबस्पेस वी ओनली चेक दोज थ्री कंडीशन ओनली। तो एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर सबस्पेस के कुछ, क्या है फर्स्ट एक ये मैट्रिक्स का स्पेस है वेक्टर स्पेस एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का, इज वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन एंड लेट डब्लू बी द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डब्लू क्या है सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टू प्रूव क्या करना हमें, W इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ M n क्रॉस n का, तो हम यहाँ पे सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उसका जो सेट है उसको सबस्पेस प्रूव करना है, तो देखते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप सबको पता है, हमने स्कूल में ही पढ़ लिया कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स क्या होगी सिमेट्रिक हो जाती है। तो आगे देखते हैं, द जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है हमें पता है, हैंस इट्स बिलोंग्स टू डब्लू, ये डब्लू से बिलोंग करेगी क्योंकि डब्लू क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट है, और जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल है और हमारा जीरो मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो डब्लू में बिलोंग कर गई। सेकेंड क्या है, ए बिलोंग्स टू डब्लू एंड बी बिलोंग्स टू डब्लू, देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ऐसा क्यों है ए डब्लू में बिलोंग कर रहा है, डब्लू क्या है सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए मतलब सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सिमिलरली बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, दैट ए प्लस बी, हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि एडिशन क्लोज है, मतलब जो ऑपरेशन एडिशन है वो क्लोज है यहाँ पे, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या दिखाना हमें, वो भी W में बिलोंग करना चाहिए। W में कैसे बिलोंग करेगा, जब W में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो, तो A प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक प्रूव करनी है हमें, तो A प्लस बी इक्वल टू इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये क्या है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, और A ट्रांसपोज क्या होता है A है यहाँ पे B ट्रांसपोज B है, तो ये क्या हो गया इसके इक्वल, मतलब ये A प्लस B क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, हैंस ए प्लस बी बिलोंग्स टू डब्लू। तो हमने दो प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, फर्स्ट क्या थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे थी हमने कि सबस्पेस प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है डब्लू इज क्लोज अंडर एडिशन होना चाहिए, ये हमने अभी प्रूव कर दिया क्लोज अंडर एडिशन है। सेकंड क्या था क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो अभी हम प्रूव करेंगे। और थर्ड क्या डब्लू एज ए जीरो वैक्टर, तो हमने यहाँ पर जीरो वैक्टर तो दिखा दिया कि जीरो वेक्टर इसके अंदर बिलोंग करता है जीरो मैट्रिक्स, और इसको क्लोज अंडर एडिशन दिखा दिया, अभी क्लोज अंडर
स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे। तो क्या हो गया, एनी स्केलर हमने कंसिडर किया जो एफ से बिलोंग कर रहा है, और स्केलर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और ट्रांसपोज किया, और यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग गई और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ये इसके इक्वल आ गया। तो मतलब ए सिमेट्रिक हो गया, ए सिमेट्रिक है तो वो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। नाउ ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई, डब्ल्यू क्या हो गया, एक वेक्टर सबस्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। हियर आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर सबस्पेस एंड यू विल प्रूव देम हाउ दे आर वेक्टर सबस्पेस ऑफ गिवन वेक्टर। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको घर पे ये प्रूव करना है, ये देखना है कि वो वेक्टर सबस्पेस कैसे है, मतलब वो तीन प्रॉपर्टी आपको घर पे सेटिस्फाई करा के देखनी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखते हैं, एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड पी एन एफ इज ए कंसिस्ट, मतलब क्या है, पी एन ए वेक्टर स्पेस है, एटमोस्ट एन डिग्री की पॉलिनोमियल है इसके अंदर, और पी एफ क्या है, ये क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें पी एन एफ को पी एफ का वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है, मतलब ये होता है, आप इसके घर पे चेक कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे सी आर, ये किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन आर। तो ये बता दिया हमने सी आर क्या है, क्लियरली सी आर इज ए सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस एफ आर आर। एफ आर आर क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। तो यहाँ पे सी आर क्या है, वेक्टर सबस्पेस है एफ आर आर का। सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज ए सबस्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स, ये भी सेटिस्फाई करा लेना इसकी प्रॉपर्टी। सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एल मैट्रिक्स सेविंग ट्रेस जीरो इज सबस्पेस ऑफ एम क्रॉस एन। तो ये हो गया कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स हैविंग ट्रेस जीरो इज ए सबस्पेस ऑफ एन क्रॉस एन। तो नेक्स्ट थ्योरम है कि एनी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ वी। जो इंटरसेक्शन लेना है किसका, सबस्पेस का, वो अगेन क्या होगा, एक सबस्पेस होगा वी का। तो दिस थ्योरम जनरली टीच अस दैट हाउ टू फॉर्म न्यू सबस्पेस फ्रॉम अदर सबस्पेस। हमें ये थ्योरम क्या बताते हैं कि हम एक नए सबस्पेस कैसे बनाएं जो जो सबस्पेस हमें ऑलरेडी गिवन है। तो मतलब क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस इज अगेन ए सबस्पेस। तो इस थ्योरम का प्रूफ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट इसका प्रूफ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट किए जो एटमोस्ट टू डे में आ जाएगा। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जो भी अपने डाउट हैं वो कमेंट में हमें बताएं ताकि हम उन्हें सोल्व कर सकें। तो थैंक यू गाइस।